लड़ाई भी करो, प्रोटेस्ट करो, और वो भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे सबको नौकरी मिल भी जाएगी। भलाई कीजिएगा, 5 साल हम तैयारी करके एग्जाम लिखे, सारी प्रक्रिया को पूरी किए, और आज पता चला हमारा नियुक्ति रद्द हो गया। बताइए, किसी का नियुक्ति रद्द हो ऐसा घर उजड़ जाएगा, किसी का सपना टूट जाएगा, तो कहाँ से बताइए कि अपने आय कर रहे हैं। और मतलब क्या करिए गवर्नमेंट, एक तो नौकरी दे नहीं रही है और जो नौकरी हुआ है उसको भी छीन रही है। 5 साल जो मेहनत किए थे, सारा जो होता है ना एकदम ऊपर से ला के नीचे जमीन पे फेंक देना, न घर कराना न घाट कराना, वही हाल हम लोग का हो गया है। इतना बहुत मुश्किल से पढ़ने का मौका मिला, बाहर रहकर पढ़ाई किए, पैसा कितना मुश्किल से पापा मम्मी पैसा दिए, अब बताइए आज अचानक से पता चल रहा है कि हमारा वैकेंसी कैंसिल हो गया। तब से लेकर के आज तक आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आप तो हम हर समय हम लोग को बोलते रहे, आपके मंत्री विधायक हमेशा यही कहते रहे हमसे कि आप लोग के लिए हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप लोग की नियुक्ति पूरी होगी और बहुत ही जल्दी होगी, पर अचानक से आप ऐसा धोखा दिए, पता चल रहा है कि आप हमारी वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं। यहाँ पे आइए, हम लोग को पीड़ा समझिए, हम लोग की नियुक्ति दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है सर, प्लीज हम लोग की नियुक्ति दीजिए। हम लोग छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हेमंत सोरेन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भी जब से सुने हैं इस खबर को कि यहाँ हम लोग की जो पंचायत सचिव की वैकेंसी है वो रद्द की जा रही है, तब से पैरों तले जमीन खिसक गया है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब कल ये खबर जब मिला आपने कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो पता है जब सुबह हम उठे तो लग रहा था कि सपना था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बस सब ठीक है। क्योंकि समझ सकते हैं 5 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है, 5 साल टाइम दिए हैं, मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हैं, पास किए हैं, और बहुत सारा उम्मीद था। एक लड़की है हम, इतना बहुत मुश्किल से पढ़ने का मौका मिला, बाहर रहकर पढ़ाई किए, पैसा कितना मुश्किल से पापा मम्मी पैसा दिए, अब बताइए आज अचानक से पता चल रहा है कि हमारा वैकेंसी कैंसिल हो गया। मतलब पता कि जीने का जो उम्मीद था इसके भरोसे से जी रहे थे कि हाँ नियुक्ति हो जाएगा, अच्छा ज़िंदगी जिएंगे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब है ना, अब पूरा अंधेरा नज़र आ रहा है कि मेरे पास सामने ज़िंदगी है ही नहीं, बस ऐसा महसूस कर रहे हैं। क्या कहिएगा सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि आप लोग के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब आ रहा है सामने तो। यही तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आप तो हम हर समय हम लोग को बोलते रहे, आपके मंत्री विधायक हमेशा यही कहते रहे हमसे कि आप लोग के लिए हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप लोग की नियुक्ति पूरी होगी और बहुत ही जल्दी होगी, पर अचानक से आप ऐसा धोखा दिए, पता चल रहा है कि आप हमारी वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपकी भलाई के लिए है, ये भी कह रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी ना है। भलाई के लिए बताइए कौन ऐसा है, किसका भलाई कीजिएगा। 5 साल हम तैयारी करके एग्जाम लिखे, सारी प्रक्रिया को पूरी किए, और आज पता चला हमारा नियुक्ति रद्द हो गया। बताइए, किसी का नियुक्ति रद्द हो ऐसा घर उजड़ जाएगा, किसी का सपना टूट जाएगा, तो कहाँ से बताइए कि अपने आय कर रहे हैं और हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। ये सरकार का तर्क है, ये जो जेएमएम में और गठबंधन की सरकार का, कि इसमें बाहरी लोग बहुत थे, तो नई नीति के तहत बहाली होगी तो स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी। 90% यहीं के लोग हैं, यदि उनको विश्वास नहीं है तो जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं ना, उनसे जो वेरिफिकेशन करवाते हैं ना, डीवी करवाते हैं, उसे में खतियान मांग लेते हैं खतियान, सब अपने खतियान को लेकर के आ जाते हैं कि हम यहाँ के हैं या कहीं और के हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हम यहाँ के स्थानीय हैं, 90% लोग पंचायत सचिव में स्थानीय ही लोग हैं। मुख्यमंत्री के उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? हम बस यही अपील करना चाहेंगे, जो संकल्प संख्या जारी किए हैं रद्द करने का, वो वापस लें और हमारी नियुक्ति को पूरा करें, बस यही उम्मीद करते हैं और यही आग्रह करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति पूरी हो और हमारी जो तकलीफ है उसको वो समझें भावनात्मक तरीके से, क्योंकि वो हमारे लिए राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, वो हमारे लिए गार्जियन है, वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, बस उनकी चाह होनी चाहिए। बस यही चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, कहते हैं कि सर हमारी नियुक्ति को पूरा करने की चाह रखिए और पूरी कीजिए। ये 2017 का है वैकेंसी पंचायत सचिव का, मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ पंचायत सचिव की। सारी चीज़ क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद कल हम लोग के कल वेबसाइट पे एक आता है, बताया जाता है कि नहीं ये संकल्प संख्या 229 वापस ले लिया गया है, तो इसमें पंचायत सचिव की भी बहाली है। 4 बजे ये आता है और 6 बजे इसका नया विज्ञापन भी आ जाता है। तो यहाँ सरकार बोलती थी कि नहीं कुछ भी हो जाए हम पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करेंगे, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, बोले तो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि नहीं फर्स्ट हम आएंगे तो पंचायत सचिव की नियुक्ति 1 महीने में पूरी करवाएंगे।
तब से लेकर के आज तक आश्वासन पे आश्वासन आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। 20 दिन पहले हम लोग भी धरना दिए थे, अनशन पे बैठे हुए थे, 2 दिन अनशन के, ये कह करके तोड़वा दिया गया कि 29 तारीख को आप लोग की नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब तक इंतजार करते रहे, नया साल आ गया, लगा कि नया साल में नियुक्ति मिल जाएगी, खुशी मिल जाए, नया साल हर कोई सेलिब्रेट करता है। हम लोग सोचे चलो 5 साल हो गई है, इस बार अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन नया साल में क्या मिला? 5 साल जो मेहनत किए थे, सारा जो होता है ना, एकदम ऊपर से ला के नीचे ज़मीन पे फेंक देना, ना घर कराना ना घाट कराना, वही हाल हम लोग का हो गया है। मतलब प्रोटेस्ट करना मतलब कहाँ का, यहाँ पढ़ाई भी करो, प्रोटेस्ट करो, और वो भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे सबको नौकरी मिल भी जाएगी थी। अभी CGL का भी आया है, उसमें भी है, तो मतलब क्या करिए गवर्नमेंट, एक तो नौकरी दे नहीं रही है और जो नौकरी हुआ है उसको भी छीन रही है, मतलब अब क्या करें। ये सरकार से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग कहीं का नहीं रहे हैं, प्लीज़ हम लोग की नियुक्ति करवा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद है। आप लोग, आपको इसीलिए चुन करके सरकार बनाए थे कि आप एक युवा नेता हैं, आप हम लोग का दर्द समझेंगे, तो आप वहाँ देखिए नहीं, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, हम लोग का पीड़ा समझिए, हम लोग की नियुक्ति दीजिए। गणतंत्र न्यूज़ की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।